मैं सपना शर्मा, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। ये पॉलिटेक्निक की क्लासेस स्टार्ट हैं जिसमें हम अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। ये मेरी फोर्थ क्लास है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी करिए, और बेल आइकन आ रहा होगा उसको प्रेस करिए। आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है? तो जिनको हिंदी में कहते हैं मूल राशियाँ, तो ये देख लेते हैं। इससे पहले की तीन क्लासेस हैं, लिंक में जा कर के उनको देख लीजिए और एक बार थोड़ा रिवाइज कर दीजिए, जिससे कि आप भूल रहे होंगे तो वो आपको दोबारा से रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है? और स्टार्ट करते हैं। चलो, फंडामेंटल क्वांटिटीज वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। इन राशियों के मात्रा को मूल मात्रा कहते हैं। मतलब वे राशियां जो एक दूसरी राशि से, जैसे मीटर हो गया, लेंथ हो गई, उन सबसे इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब उन पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो स्वयं ही एक अपनी यूनिट होती है। उसको किसी और यूनिट के साथ मिला करके नहीं बनाया जा सकता है। मूल मतलब वो स्वयं ही उत्पन्न हुई है, मतलब उसका कोई किसी चीज़ से उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? या डिपेंडेंट नहीं होती है किसी और पे, अपने आप में होती है। तो जिन वे राशियों को मूल राशियां कह देंगे, और उनके जो मात्रक होंगे, उनकी जो यूनिट होगी, उसको फिर मूल यूनिट कह देंगे, ठीक है? मूल मात्रक। जैसे हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो ये हैं। एक तो लेंथ, जैसे लंबाई होता है उसको मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। वो सेल्फ ही होती है मीटर, वो किसी से बना करके नहीं बनी हुई है, ठीक है? मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है। सात होती हैं, दो और हैं, बट लेकिन हमने साथ ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यही थोड़ा मेन है। कोण होती है एक, घन होता है, तो उसको यहाँ पे नहीं हम कर रहे हैं उनको, घन और उन सबको। ये सेवन इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लेते हैं। तो लेंथ होती है लंबाई, मास होती है द्रव्यमान, जिसको किलोग्राम केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम होता है समय, जिसको सेकेंड होता है। टेम्परेचर होता है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत दाब को एम्पियर बोलते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी हमारी फंडामेंटल यूनिट है, जिनका किसी और से, इन सब से मिलकर के, सातों यूनिट्सों से बनकर ही जो आगे की सारी यूनिट्स होती हैं वो इनसे मिलके बनती हैं। बट ये खुद में ही, खुद से बनी हुई है, इनको किसी और चीज से उत्पन्न नहीं किया गया है, ठीक है? अब नेक्स्ट इसमें पढ़ लेते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, मतलब किससे, इन सातों राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उनको मूल राशियां कहते हैं। अब ये यहाँ पे क्या है, कौन कौन सी यूनिट होती हैं, सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स के पढ़ रहे हैं। फर्स्ट होता है, जैसे एफपीएस लिखा है मैंने, वैसे एमकेएस भी होता है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एफपीएस सिस्टम, जिसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, जिसमें फुट मतलब लेंथ को फुट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये उसकी यूनिट फुट होती है। मास की पाउंड होती है, सेकंड टाइम की सेकंड होती है। एम के एस यूनिट में एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। तो एम यहाँ पर लेंथ का मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम एम से करते हैं, सेकंड से। ये काफी इंपॉर्टेंट है एम के एस। एम के एस से ही एस आई यूनिट, जब एम के एस की सारी यूनिट्स होती हैं उनको थोड़ा मॉडिफाइड करके एस आई यूनिट बनाई गई है। तो इसमें मोस्टली यही सारी होती हैं, कुछ में चेंजेस आते हैं जैसे हम आगे पढ़ लेंगे। एस आई को इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, ये हर जगह ये एस आई यूनिट काम कर रही होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है? सी जी ए सिस्टम, जिसमें सेंटीमीटर होती है लेंथ की, मीटर होता है ग्राम का, सेकेंड होता है टाइम का। तो ये सारी राशियां हैं, कौन कौन सी, एम के एस सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हैं। एम के एस, सी जी एस, एस आई, एफ पी एस, ठीक है? अब यूनिट कन्वर्जन, ये हमारे उसमें आपके सिलेबस में है यूनिट कन्वर्जन। इसमें कोई इसकी डेफिनेशन नहीं आती है, केवल कन्वर्जन के लिए आ जाता है। तो ये देख लेना और अच्छे से कर लेना। इससे क्या होगा, यदि ये आपको समझ में आ जाएंगी कि कन्वर्जन कैसे होता है, तो आप किसी भी यूनिट का, यदि आपको उसका थोड़ी डेफिनेशन मतलब उसका कन्वर्जन पता है, थोड़ा सा उसके बारे में पता है, तो आप उसको निकाल सकते हो आराम से। तो जैसे घनत्व है, जिसको डेंसिटी कहते हैं, रो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, ये रेशियो होती है मास एंड वॉल्यूम का। तो मास मतलब केजी, अभी हम देख रहे थे मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से। देखो इसमें देख लो, यहाँ लिखा हुआ मास, मास को किससे कर रहे हैं, केजी से। तो यहाँ क्या आ गया, केजी। वॉल्यूम को अभी देखा था हमने मीटर से, तो एक वॉल्यूम मीटर की हो गया। लेंथ को कर रहे हैं मीटर से, तो लेंथ का 3 बार इंटू करते हैं तब वॉल्यूम होता है, ठीक है?
तो ये मीटर हो गई, तो ये केजी पर मीटर किस में हो गई, एमकेएस में, एसआई में। जब इसको सेंट उसमें करेंगे सीजीएस में, तो सीजीएस में देखो यहाँ पे सीजीएस की क्या दी थी, यहाँ पे सीजीएस सिस्टम है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, तो इसमें क्या हो जाएगी, ग्राम आ जाएगी, केजी को ग्राम में करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब आ गई। अब भाईचा हम कहें कि एक केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करो, ठीक है। तो एक चीज मैंने एक दिन बताई थी आप लोगों को कि जहां न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी वहां यूनिट कम होती है, ठीक है, वहां यूनिट कम होगी, और जहां न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी वहां यूनिट ज्यादा होगी, ये चीज मैंने बताई थी, इसको देख लो। तो अब यहां देखो, 1 केजी और ग्राम में करना है, तो जब केजी में एक छोटा है, केजी बड़ा है, तो या ग्राम छोटा है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी उसका जो परिमाण आएगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो हमने पढ़ा है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, इस तरीके से ये सारे पढ़े हैं। तो ग्राम में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 ग्राम। केजी को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर 3 होता है, ठीक है। अब जब मीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो किलो मीटर डेसी सेंटी, तो मतलब 10 की पावर 2 हो रहा है, 10 की पावर 2, लेकिन यहाँ 10 की पावर 3 है यहाँ पे, तो 10 की पावर जो 2 है उसका 3 कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 3 हो गया, और ये 2 इसका इसमें जब ऊपर है तो क्या 2 2 2 ऐसे इंटू हो जाता है। सिंपल से क्या होता है, 10 की पावर 2 है और उसकी ऊपर 3 पावर है, तो इंटू कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, तो 10 10 की पावर 6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो रिलेशन क्या निकल के आ गया, 1 केजी पर मीटर क्यूब, 1/10 की पावर 3 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ये एमकेएस में होती है, ये सीजीएस में, तो ये इसका क्या निकल आया, दोनों का रिलेशन निकल आया, ठीक है, ऐसे यूनिट निकल गई इसकी। अब क्या है, फोर्स, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, जिसको बल बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को ही बल कहा जाता है, जिसमें वी माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास हो गया, इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला सबका देख ले, फॉर्मूले से ही आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूले को क्या कहते हैं, एम ए मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, मास की यूनिट अभी बताई थी केजी होती है, एक्सीलरेशन मतलब संवेग परिवर्तन की दर को, मतलब संवेग मतलब कोई भी हमारे पास लंबाई है मीटर में है, उसको परिवर्तन को क्या बोलते हैं, परिवर्तन को टाइम से, मतलब जब डिफरेंसेस निकाल देते हैं उसके, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए का होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, केजी पर मीटर, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या कह देते हैं, न्यूटन भी रिप्रेजेंट कर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, ये याद कर लेना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। अब जब जो फोर्स होता है उसको एम के एस में केजी, और जो फोर्स होता है या नीचे थोड़ा सा एफ लगा देते तो केजी एफ में डिनोट किया जाता है। अब इसको सीजीएस में करेंगे तो केजी सीजीएस में है, तो हमने यहाँ पे अभी देखा था ये देखो सीजीएस वाली, यहाँ केजी है तो इसमें क्या है, ग्राम है, तो ये ग्राम हो जाएगी, तो क्या, ग्राम एफ सीजीएस में, ठीक है। अब ये रिलेशन देख लो, 1 केजी एफ इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है, लगभग में 10 न्यूटन भी बोल देते हैं, ये रिलेशन थोड़ा याद करना, ये इंपॉर्टेंट है काफी, केजीएफ इक्वल टू 10 न्यूटन भी हो जाता है, इसको थोड़ा हम अप्रोक्स में ले लेते हैं, ठीक है। अब बाई चांस तो मैं ये दे दिया कि 1 न्यूटन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में डिफाइन करना है, कितना होगा 1 न्यूटन इक्वल टू न्यूटन बराबर, ठीक है। तो क्या 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर को यह करेंगे तो क्या हम न्यूटन में जानते हैं कि केजी को यह तो हम ग्राम में करेंगे तो क्या होगा 1000 ग्राम, मतलब एम के एस को सीजीएस में करना है, तो केजी को 1000 ग्राम होता है हमारा, मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, और सेकेंड का तो सेकेंड ही है, उसका कोई आवर्स में या किसी में नहीं करना, ठीक है। तो क्या हुआ, 10 की पावर 3 इंटू 2 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड उसका, इसको जैसे उसको न्यूटन कहते हैं एम के एस वाले को, उसको पूरे को, इसको क्या कहेंगे, पूरे को डाइन कहेंगे, तो डाइन, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये समझ आया, इसमें क्या करना है हमें कि एम के एस को सी जी एस में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास या तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया और कह दिया आपसे कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को में कन्वर्ट करिए, तो क्या करेंगे, केजी को 1000 ग्राम कहते हैं, और मीटर को किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमीटर से करोगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा,
और सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर रहेगा। तो जब इनकी तीन इधर जीरो आ रही हैं और दो जीरो इधर आ रही हैं तो क्या होगा, फाइव हो जाएगा ग्राम पर ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पूरे को टाइम कहते हैं सीजीएस में और इस पूरे को न्यूटन कहते हैं एमकेएस में। ठीक है, तो क्या हो गया, एक न्यूटन इक्वल टू 10^5 डायन हो गया। अब एक चीज बताऊं यहाँ पे मैं, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी, इस तरीके से ये मैं पूरे लिखोगे। तो जब जैसे मान लो बाई चांस किलो को डेका में करना है तो क्या हो गया, 10^2 हो गया। ठीक है, किलो को यदि हम डेका करेंगे तो किलो इक्वल टू 10^2 डेका हो जाएगा। इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए प्रेशर। प्रेशर को क्या कहते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। ठीक है, तो फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, एरिया को ए से डिनोट करते हैं। अभी फोर्स को यहां देखा था एफ इक्वल टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहां पे मास की हमने क्या देखी थी, न्यूटन में लिखते हैं तो न्यूटन लिख दिया। ठीक है, सिंपल है एमकेएस में। ए को एरिया है मतलब मीटर स्क्वायर, दो बार लेंथ का इंटू करते हैं तब मीटर एरिया होता है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, ये एसआई यूनिट है पास्कल। ठीक, अब इसको पास्कल लिखते हैं और उसके अलावा ये न्यूटन को हमने एमकेएस में क्या कर लिखा था, केजीएफ, तो केजीएफ लिख दो, मीटर स्क्वायर ऐसे रख दो, तो ये क्या हो जाएगी एमकेएस में। यदि इसको सीजीएस में क्या करेंगे, केजीएफ की जगह डाइन कर देंगे, इसकी न्यूटन की जगह डाइन कर देंगे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केस में हो जाएगी सीजीएस में। यदि आपसे इसको अब इंटरचेंज करने के लिए एमकेएस टू सीजीएस में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, केजीएफ पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू, हमने देखा केजीएफ, देखो यहां देखा था केजीएफ में जब 9.8 न्यूटन पर मीटर होता है 10, तो इसको 9.8 को 10 भी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो न्यूटन को हमने यहां देखा था डाइन, ये याद करने की इंपॉर्टेंट है बहुत, ये दोनों इनके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 10^5 डाइन 5 हो गया, डाइन डाइन लिख दिया। अब यहाँ क्या है, मीटर है इस जगह, मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 होता है, जब यहाँ मीटर यूनिट बड़ी है सेंटीमीटर यूनिट छोटी है तो 100 से इंटू होगा। ठीक है, तो 100 और कितना है स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर कर दिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 10^5 है कट जाएंगे तो केवल 10 ही बचेगी, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कन्वर्जन हो गया, अच्छे से कर लेना। एक आता है इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका उसमें है सिलेबस में। अब नेक्स्ट है वर्क। वर्क को कहते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को एफ से, डिस्प्लेसमेंट मतलब डी से हो गया। ठीक है, फोर्स को अभी यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, आगे फोर्स वाले में सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको आगे वाला पहले वाला पता होगा तब आप ये वाला इजीली निकाल सकते हो। तो फोर्स को क्या कर दिया, न्यूटन से, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर को जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देख लेना इसको, न्यूटन मीटर को जूल है। फिर इसको न्यूटन को अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या बताया था, न्यूटन को केजीएफ भी लिखते हैं फोर्स का, न्यूटन यहाँ लिखा हुआ केजीएफ, केजीएफ में लिख सकते हैं पर मीटर स्क्वायर ये आ गया, तो ये क्या है एमकेएस में होगा। सीजीएस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि आपसे जैसे ये कन्वर्जन में बोले कि एमकेएस को सीजीएस में करना है तो क्या, 1 kgf इक्वल टू मीटर स्क्वायर हो, ये है इसकी यूनिट, इसको जब न्यूटन में करेंगे तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर में स्क्वायर में करें मतलब सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, हमने देखा था 1 न्यूटन 10^5 डाइन हो गया, तो 10^5 डाइन। अब सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, तो 2 × 2 = 4 हो गया, तो इसमें से गया तो केवल 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्क, ये अभी हमने यहाँ वर्क देखा, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी, इसको न्यूटन पर मीटर कहेंगे, इसको जूल कहेंगे। ठीक है, जूल कहेंगे। अब न्यूटन को केजीएफ में, मीटर को मीटर में, एमकेएस हो गई। अब इसको सीजीएस में करेंगे तो केजीएफ बताया था न्यूटन केजीएफ, तो न्यूटन को डाइन में करते हैं तो केजीएफ, ये उसमें सीजीएस में क्या हो गया, डाइन सेंटीमीटर। अब ये डाइन सेंटीमीटर पूरे को, जैसे यहाँ न्यूटन पर मीटर इसको न्यूटन एंड मीटर को जूल कहते हैं, वैसे डाइन सेंटीमीटर को अर्ग बोलते हैं, ARG सीजीएस में। अब या तुम्हें यूनिट को करना है कि एक SI को सीजीएस के, एक जूल इक्वल टू कितने न्यूटन मीटर होते हैं, तो हमने देखा था कि एक न्यूटन को, यहाँ देखो न्यूटन को हम जब सीजीएस में करते हैं तो क्या होता है, 10^5 डाइन,
तो 10^5 हो गया। अब मीटर को हम जूल उसमें सीजीएस में करेंगे तो ये मीटर भी हमारा उसमें नहीं, तो मीटर को करेंगे तो क्या होगा सेंटीमीटर, तो कितना होगा 10^2 सेंटीमीटर। तो 10^5 और 2 7 डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर को अर्ग भी बोलते हैं, तो 1 जूल इक्वल टू हो गया 10^7 अर्ग। ठीक है, एक बार इसको पूरा अपने हाथ से करोगे तभी ये समझ में आएगा सही से। अब क्या है नेक्स्ट, शक्ति मतलब पावर। पावर को कहते हैं वर्क अपॉन टाइम, वर्क W टाइम T सेकेंड। वर्क को अभी थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं हम, वर्क की वहां से देख लेंगे। न्यूटन मीटर होता है, टाइम को सेकेंड करते हैं, सेकेंड न्यूटन मीटर पर सेकेंड को पूरा वाट कहते हैं, और यदि वाट को पूरे को रिप्रेजेंट करेंगे तो जूल पर सेकेंड भी हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन मीटर जो हमने पढ़ा था उसको जूल बोला था, तो जूल पर सेकेंड हो गया। अब इसको MKS में करेंगे तो जूल को KGF मीटर कहते हैं, तो KGF यहाँ पर लिख देंगे और मीटर सेकेंड। CGS में करेंगे तो डाइन मीटर को सेंटीमीटर, सेकेंड CGS में हो गया। अभी थोड़ी देर पहले पीछे ही पढ़ा है डाइन सेंटीमीटर को अर्ग बोलते हैं और सेकेंड ऐसे ही आ गया। अब यदि हम फिर इसको उसमें करें MKS को CGS में, तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड लिया था यहाँ से, जूल को हमने क्या लिखा था न्यूटन मीटर लिखा था पीछे, तो 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं इसको। जैसे ही 1 न्यूटन मीटर सेकंड लिखेंगे तो न्यूटन मीटर इसको जब CGS में करेंगे तो क्या होगा डाइन 10^5 डाइन होता है न्यूटन को, मीटर को 100 सेंटीमीटर किलो एक्टो एकम मीटर से कर देंगे अपॉन सेकंड, तो 10^5 और 2 7 डाइन सेकंड सेंटीमीटर। इसको पूरे को अर्ग बोला था तो 10^7 अर्ग सेकंड। यहाँ से देख लो शक्ति जो पावर दिया हुआ है, पीछे देखो जो हमने पावर दिया हुआ है, पावर बोली थी वर्क, वर्क तो क्या था उसमें वर्क आ रहा था, देन क्या आ रहा था वर्क पर टाइम, तो वर्क की लिख दो और टाइम की सेकंड लिख दो, पूरा वहीं से हो रहा है। यदि आपको एक आ रहा है तो उसी से रिलेटेड है पूरा, बट उसमें न्यूटन एक 1 न्यूटन इक्वल टू कितने 10^5 डाइन होता है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा करना पड़ेगा। बस 2-3 बार उसको थोड़ा देखोगे सही से तो आपको आ जाएगा, थोड़ा रेगुलरली 2-3 दिन देख लेना तो वो बिल्कुल माइंड में रहेगी चीज। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी, ये आपके सिलेबस में है, वही मैं आपको करा रही हूँ, इनमें से जरूर आता है तो आप देख लेना। और एक चीज और कि लास्ट में हर यूनिट का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी यूनिट में से बनते हैं वो मैं बना के जरूर बताऊंगी कि ये क्वेश्चन आते हैं उनको देख लेना। शॉर्ट ये कि आपकी बैक नहीं आ सकती है, और बहुत अच्छे नंबर आएंगे यदि आपने जैसे मैं बताती जा रही हूँ स्टेप बाई स्टेप करना शुरू कर दिया पूरा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम टी हो गया, डी को मतलब एक तरह से लेंथ में ही आती है तो मीटर से हो गया, टी को सेकेंड से हो गया। SI और MKS दोनों सेम ही यूनिट है, यदि इसको CGS में करेंगे मीटर को सेंटीमीटर कर देंगे, सेकेंड को सेकेंड रहने देंगे। अब मीटर पर सेकेंड को CGS में करेंगे तो क्या हो जाता है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, ये बाई चांस उसने कह दिया कि 1 किलोमीटर पर मिनट को मीटर पर सेकंड में कर दो, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो न्यूमेरिकल में आती है। किलोमीटर को यदि मीटर में आप देख रहे हो यहाँ पर ये किलोमीटर बड़ी वो है तो इसकी यूनिट बड़ी है तो ये छोटी नंबरिंग है, ये यहाँ पर छोटा है तो इसकी नंबरिंग बड़ी होगी। ऐसे याद ऐसे करके याद करना है कि इंटू करना है या भाग डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये छोटी यूनिट है तो क्या होगा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू में आएगी। तो किलोमीटर को मीटर में करते हैं तो 1000 होता है, 1000 किलो हेक्टोडेका मीटर तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो 10^3। अब ये मिनट में ये सेकंड में, तो हम जानते हैं 60 सेकंड, 36 आवर कितने होते हैं सेकंड में, 3600 होते हैं, तो इस तरीके से 60 सेकंड तो 60 कर दिया, 0 से 0 कट गई, ऊपर कितने बचे 100 से 6 जाएगा तो 50/3 हो जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकंड। अब यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर उसमें करना है मीटर पर सेकंड में करना है तो किलोमीटर वही 1000 बताया था अभी 1000 मीटर, आवर को सेकंड को अभी 3600 बताया था, इतने 3600 सेकंड होते हैं, इंटू में होना है क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। तो इसको कट करोगे पूरा 0 से 0 गया, 0 से पूरा 0 गया, अब कितना हुआ ये 2 टाइम्स जा सकता है 5 और ये 18, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है किलोमीटर पर आवर का निकालना है मीटर पर सेकंड का निकालना है, तो हम क्या करते हैं 18 ऊपर आएगा या नीचे आएगा, 5 ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ये बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जब ऐसा कुछ हो तो पहले निकाल के ही देख लो ना, बहुत ईजी है। अब जैसे मीटर पर सेकंड को कह रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर ये छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में करना है तो डिवाइड, ठीक है न्यूमेरिकल वैल्यूज की, तो मीटर और किलोमीटर में करना है तो 1000 होता है, लेकिन क्या होगा डिवाइड में क्योंकि ये यूनिट बड़ी है।
अब सेकंड है, सेकंड को आवर में करते हैं 3600 होता है, पर लेकिन ये डिवाइड में होना है 1/3600, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो 0 से 0 वो 18/5 किलोमीटर बराबर। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जैसे एक्सेलरेशन, इसको त्वरण बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इसमें वेग परिवर्तन मतलब मीटर पर सेकेंड हो गया, उसमें सेकेंड, और ये एक सेकेंड ऑलरेडी नीचे टाइम का हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मीटर पर, ये एस नीचे आएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एसआई यूनिट है, यही आपकी एमकेएस यूनिट है। अब इसको सीजीएस में करेगा तो मीटर को, मीटर को सेंटीमीटर कहते हैं और सेकेंड को सेकेंड स्क्वायर, वही हो गया सेम। अब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करेंगे कितना अंतर डिफरेंस है, मीटर छोटा है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, अब ये सेंटीमीटर छोटा है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी, तो कितनी हो जाएगी, किलो हेक्टो डे का मीटर डेसी सेंटीमीटर, 100 हुआ तो 100 सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड सेम है तो ये केवल ऐसे, तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरी आपकी ये यूनिट फिनिश हो गई है, बस एक इसमें मैंने छोड़ दिया था कि यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स क्या होता है, मतलब यांत्रिकी की उपयोगिता क्या क्या है, तो ये इसलिए छोड़ा था क्योंकि अभी जब आप लोग करेंगे तो इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको बाद में करोगे तो ये बहुत इजीली आप इसको मतलब क्वेश्चंस करोगे, आप हर सब यूनिट की मतलब आप थ्योरी पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, ये इजीली अपने माइंड से भी आप बना सकते हो, बट अभी क्या होगा कि आपको याद करनी पड़ेगी। बट मैंने सोचा है कि अभी थोड़ा सा जैसा पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाए तो इसलिए इसको करा ही देती हूँ, फिर बाद में इसको एक बार और कर दूंगी। तो इसको देख लेते हैं, यांत्रिकी इंजीनियरिंग का अभिन्न अंग है, यांत्रिकी जो है हमारे इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी दैनिक लाइफ का भी बहुत यूज होता है इसका, कैसे होता है मैं बताती हूँ। इसके ज्ञान का उपयोग वस्तु के निर्माण क्रिया तथा परीक्षण में होता है, मतलब इसके द्वारा ही हम जैसे बिल्डिंग बनानी है, हमें कोई चीज बनानी है, इसी के द्वारा बनाती है, क्योंकि उस पर फोर्सेस कितने लग रहे हैं, उसकी क्या क्रिया हो रही है, उसका क्या टेस्टिंग जो होती है वो भी इसी के अंदर होती है, तो ये सारी चीजें इसके थ्रू होती है। मशीन या मैकेनिज्म के किसी पुर्जे ढांचे के निर्माण या कंस्ट्रक्शन के लिए उस पर लगने वाले बलों की स्टडी इसी में करते हैं, जैसे हमने कोई भी चीज, जैसे हमने एक ले ली बेंच है, बेंच पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारे स्ट्रेसेस क्या लग रहे हैं, ये सारी चीजें, जैसे टेंसाइल फोर्स पड़ा था तो उसमें हम कर रहे हैं या तो उस पर इतना फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, तो वही सारी चीजें किसमें पढ़ते हैं, इसी में ये सारी चीजें पढ़ी जाती है, उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह होना है, उसका फोर्स कितना लगना है, इस तरीके से। फिर उनके प्रभाव पर आदि पर विचार करके अंग का आकार तथा पदार्थ आदि निश्चित किए जाते हैं, मतलब जब जैसे ही हमें पता चल जाता है कि इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, क्या चीजें, फिर हम देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होना है, इससे ज्यादा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी जो साइज बनना है किस तरीके के बनाए, इसकी सेप को किस तरीके से ले, है ना, ये सारी चीज इसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। अब है इसमें यांत्रिकी के मूल सिद्धांतों को विभिन्न रूपों में प्रयोग करके उनके अनेक विषयों जैसे द्रव स्थिति विज्ञान, द्रव गति विज्ञान, गैस गति विज्ञान, वायु गति विज्ञान तथा ऊष्मा गतिकी आदि का अध्ययन करते हैं। अभी हमने लास्ट इसी में ही थोड़ा आगे चैप्टर था उसमें देखा था, हमने पढ़ा था कि स्थिति विज्ञान क्या होती है, गति विज्ञान क्या होती है, सारी चीजें मतलब पढ़ी थी, द्रव की स्थिति क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ऊष्मा गतिकी जो कि इसमें नहीं है वो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड होता है, वो ये सारी चीजें मतलब इन सब के बारे में जब हम पता कर लेते हैं कि क्या इफेक्ट हो रहे हैं, क्या है ये सारी चीजें, इनका क्या उस पर इफेक्ट हो रहा है, तब हम इन सारी चीजों के बारे में, इसका ढांचा और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, लॉज को पढ़ने के बाद, तब हम उसका निर्माण करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर जैसे मैंने अभी बोला था कि हमारे डेली रूटीन में भी इन सारी चीजों का यूज होता है, जैसे मोटर कोई बना रहे हैं उसका भी कितना प्रेशर लगेगा, कितना पानी ऊपर जा सकता है, वायुयान, इंजन, पुल, भवन, बांध, अंतरिक्षयान, जो भी सामान जैसे वस्तु हमारी, घड़ी बनी, पंखा बना, साइकिल बनी, जो भी चीजें सारी इसी से डिपेंड होती हैं, जब तक इसके बारे में नहीं पता होगा तो हम नहीं बना पाएंगे। हम यांत्रिकी के द्वारा उन सभी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसमें वस्तु के निर्माण प्रयोग में बल गति पर विचार किया जाता है, मतलब जैसे किसी भी चीज का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए जो कि हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, यदि हम किसी प्रयोग में यदि फोर्स यूज कर रहे हैं किसी चीज में ला रहे हैं उसका, यदि कोई मोशन में हो रही है, कोई गति कर रही है कोई भी चीज, तो उस पर विचार करना, ये सारी चीजें हमारी मैकेनिक्स में ही होती हैं, ठीक है। तो हम इन जो चीजें इन जिस पर फोर्स लग रहे हैं, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई गति हो रही है, वो सारी चीजों किसी भी पार्टिकल या बॉडी के अंदर ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सारे किस चीज से बनेंगे, वो मैकेनिक्स से बनेंगे। अब क्या यांत्रिकी के बारे में अध्ययन करना बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारी दैनिक जीवन में अनेक ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके समझने के लिए भी यांत्रिकी का आवश्यक होता है, मतलब हम खुद भी रूटीन में कोई काम कर रहे हैं वो भी हमारी मैकेनिक्स पे स्टार्ट हो जाती है, उससे ही उसके सारे डिसीजंस और वो चीजें निकल
सकती है। जैसे हम चल रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, कोई हम खाना खा रहे हैं, या फिर हम पहाड़ी पे चल रहे हैं, चल रहे होते हैं तो आगे झुक जाते हैं, क्यों झुक जाते हैं, तैरते हैं तो उसका क्या रीज़न होता है, पतंग उड़ा रहे हैं तो उसका क्या रीज़न, तो ये हमारे दिनचर्या की चीज़ें हैं, डेली लाइफ की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दिया है। वैसे नहीं, जब आएगा ये आता है मैकेनिक्स क्या होती है तथा उसकी क्या क्या यूटिलिटीज है, उसकी क्या, तो ये चीज़ें। और वैसे हम जैसे जैसे मैकेनिक्स पढ़ते जाएंगे तो वो जो जो चीज़ें हम उसमें लॉज और ये सब पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें यही हैं, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा छोड़ दिया था पहले, बट फिर भी इस यूनिट में थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया है तो अब इसमें समझने में हमें थोड़ा ईजी हो रहा होगा। और इसके बाद मैं जब नेक्स्ट स्टार्ट करूंगी तो उसके क्वेश्चंस क्या क्या है वो सब मैं बताऊंगी कि क्या क्या आते हैं, उनको कर लेना पूरा अच्छे से, कब कब कितनी बार आ चुके हैं क्या है। और थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करना मत भूले ना, अपने शेयर करिए फ्रेंड्स से जिनसे उनकी हेल्प हो सके। और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं अपलोड करूँगी इसके बाद।